आप सभी को बकर ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देखिए सिवाई खाई जा रही है फेंक दिया हेलो एवरीवन तो जैसा कि आप लोग ने देखा मेरी अप्पी ने बकरीद की मुबारकबाद दे दी है और ये मेरी छोटी वाली अप्पी हैं जिनके बच्चे उधम मचाए हुए हैं बकरीद के दिन और ये बच्चा तो रुक ही नहीं सकता डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है और एक लोग पोस्ट देते हुए कि हमको ही बस दिखाते रहो ये देखिए और ये रही मेरी ड्रेस बकरीद की कैसी लगी आपको जरूर बताइएगा और ये हमेशा की तरह अमार आ गए हैं सुबह सुबह अपने दोस्तों के साथ और हमेशा की तरह इन लोग सिवई को स्किप करके फुल्की और छोला खाते हुए और हमने पूछा कौन कौन सब्सक्राइब किए तो इन लोग ने हाथ खड़ा किया और बाकी एक लोग भाई हैं और एक लोग तो मेरा भांजा ही है तो उनमें सब्सक्राइब है और फिर उसके बाद इन लोग ने ब्लॉग के बारे में चर्चा की कि पिछली बार भी आप लोग ने व्लो, आपने ब्लॉग डाला था उसमें हम लोग थे बहुत खुश हुए थे ये सिवई हमने बनाई है बहुत ही अच्छी बनी थी ये फुल्की भाभी ने और छोले भी भाभी ने बनाए थे तो एक ही चीज बनाई थी मगर बहुत खुशी थी ये देखिए नूर फातिमा और मरियम मेरी दोनों भांजियाँ आ चुकी हैं और नाना लेट गए हैं नाना ने कहा अपने हाथ से निकालो खाओ जब कोई आएगा दूसरा बड़ा तब हम बैठेंगे तो पापा आराम करने लगे हैं और इन लोग ने अपने हाथ से सर्व किया और फिर हमने कहा सेवई हमने बनाई है तो मरियम ने कहा पहले सेवई ही खाएंगे तो किस तरह से खाला का दिल रखा गया है देख सकते हैं आप लोग पहली बार बनाया था लेकिन अच्छी बनी थी ज़्यादा बेज्जती नहीं हुई मेरी और ये मरियम को हमने अपना हेयर बैंड जो गिफ्ट में मिला हुआ है लगा के देखते हुए हम इसके बाल कर लिए हैं तो अच्छे लग रहे थे इस पर हालांकि बाद में हमने इससे उतार के रख लिया हमने कहा कहीं गिरा दूंगी मेरी अमानत इनको हमने तैयार किया हेयर स्टाइल बनाया था तो इन लोग का रूप मैंने बदला बड़े वाले मामू के यहाँ गए हैं तो वो अपनी पोती के दांत दिखा रहे थे और उसने गुस्से में चश्मा निकालना शुरू कर दिया और ये देखिए ये हम लोग की पूरी टीम बैठी हुई है बड़े वाले मामू के यहाँ और हमने कहा थोड़ी वीडियो बना ले इन लोग की लेकिन बच्चे काम बिगाड़ने में नंबर वन भागते हुए वीडियो ना बनाने दी इन लोग ने कोई अच्छी सी कोई अलग रो रहा है कोई अलग रो रहा है सामना मुश्किल था और सभी प्रकार के बच्चे हमारे यहाँ अवेलेबल हैं हमने कहा देखें क्या क्या है सेवाई सेवाई तो चलो इतनी थी लेकिन फुल्की देखिए खत्म हो चुकी है और छोले भी फिर उसके बाद हम लोग के लिए मंगाया गया क्योंकि जनसंख्या पलटन इतनी ज्यादा थी कि इतने में किसी का भला नहीं होना था तो मानी ने कहा अरे रुको क्या अभी ना दिखाओ अभी मंगा रहे हैं तब दिखाना ये देखिए ये तीनों बहनें इंजॉय करते हुए हम लोग के साथ और ये देखिए आ चुका है पूरा खाने की सामग्री और ये देखिए ये ग्लास वाली ट्रे हमको बहुत अच्छी लग रही थी तीन ही आ सकती हैं इसमें और इसने इस लड़की ने बहुत खाया बहुत ज्यादा खाया इस लड़की ने बिल्कुल नहीं खाई ये देखिए पर्स मेरा कैसे चेक किया जा रहा है मतलब ईदी न न दिया जाए तो इन लोग अपने हाथ से मतलब नोच नोच के लेंगी अब चैन सुकर है इन लोग खोल नहीं पाती हैं अभी मोहनी मेरी मोहनी अच्छी लग रही थी और ये देखिए दूसरा बच्चा आ चुका है इसमें धावा बोलने के लिए मतलब सबको पता है कि इसी पर्स में पैसे हैं और ये नहीं पता कि सिर्फ दस ही रुपए हैं तो ये देखिए ये पर्स और ये देखिए खाने के बाद पचवाले की जरूरत पड़ गई मामू के दुकान है तो तुरंत पचवाला दिया गया इनको तो ये पचवाला खाते हुए क्योंकि अभी और भी तो आगे जाना है तो पचा कर जाएंगी फिर ये देखिए मेरी बड़ी वाली मौनी भी आ गई है ब्लू कलर के सूट में जो सारे लोग ये व्हाइट कलर में मेरी भाभी है सारे लोग की थंबनेल के लिए हमने फोटो क्लिक किया फिर उसके बाद ये देखिए छोटे बीच वाले मामू के यहाँ आ गए हैं तो बीच वाले मामू के यहाँ से वही और फुल्की बनी थी जो कि हम लोग सर्व करते हुए अपने हाथों से और हम ब्लॉग बना रहे थे तो मामू भी वीडियो बना रहे थे मामू ने नया मोबाइल लिया है ये देखिए मामू मोबाइल से हम लोग की वीडियो शूट करते हुए मामू के यहाँ नीचे काम लगा हुआ है और ये मोनी आ गई है पानी लेकर मोनी आई पानी लेकर भांजीओ ने पिया पानी खत्म हुई कहानी ये देखिए पूरे परिवार का एक साथ हमने का ब्लॉग शूट कर ले और ये बच्चा सो चुका है अब इसको घर पे टपकाना है ये देखिए फिर उसके बाद हम लोग जा रहे हैं की के यहाँ अब के यहाँ तो ये देखिए झब्बू मिल गए थे ये देखिए इन लोग मुस्कुराते हुए चेहरे छुपाए हैं राज गहरे या तो हर चेहरा है भूखा उसके बाद इन लोग देखिए ऐसा मुस्कुराते हुए कदम बढ़ा रहे हैं और ये यहाँ पे पहुंचे हैं हम लोग तो अंधेरा कायम यानी कि सो रहे थे फिर उसके बाद इन लोग पहले पहुंच गए देखिए आप और ये कंबल वाले बाबा आपको हमेशा कंबल में ही मिलेंगे ये देखिए चम्मच वाले हमने तीन चम्मच तोड़ दिए थे निकालने के चक्कर में इतनी मजबूती से निकाल रहे थे और ये देखिए ये इन्होंने उठाया गर्भ से ऊपर से टेस्ट किया हमने कहा ये बदतमीजी है फिर उसके बाद यहाँ पे एक मसला ये हो गया था कि हमने एक एक्टिंग कर एक दी थी यहाँ पे जिसको देखते ही मेरी बहन पानी पी रही थी हंसी और पूरा पानी सबके ऊपर चला गया फिर खाने पीने का सामान इसको हटाया गया चेंज किया गया कि भैया झूठा हो गया अब ये देखिए ये सेवाई और ये फुलकी बहुत अच्छी बनी थी फुलकी हमको फुलकी ज्यादा पसंद है और ये देखिए चम्मच ने तोड़े हैं इतने कमजोर चम्मच दिए ही गए साजिश है जरूर से जरूर साजिश है और ये कंबल वाले बाबा अपना मुंह छुपाते हुए अब ये जग चुके हैं ये देखिए और ये साथ में से खाते हुए ये बगल में खाला का घर है जुड़ा हुआ एक दीवार उठी है तो हम देखिए किस तरह से छलांग लगा रहे हैं बड़ी सी फ्रॉक पहन के हील पहन के और ये फाइनली ब्लॉगर पहुंच चुका है दूसरे घर में यहू उसके बाद इन लोग ने कहा मेरी मत बनाइएगा खाला और मेरी इन लोग ने बना ली थी हमने कहा आ जाओ मरियम से कहा इतना भी मत शर्माओ आ जाओ फिर मरियम को आने के बाद देखिए क्या हाल किया गया मरियम का देखिए ये सीढ़ी खड़ी कर दी गई हमने कहा छोड़ दो छोड़ दो वरना बकरीद के दिन ढेर हो गई तो फिर और ये देखिए ये मेरा भतीजा छोटू सा बहुत प्यारा बच्चा है ये इसके ऊपर बहुत दुलार आता है लेकिन इतना छोटा है हम इसको अभी सही से ले नहीं पाते हैं वरना मन तो होता है इसको हमेशा चिपकाए रहे ये देखिए गोल में सभा करते हुए महिलाएं पंचायत करते हुए हमारे घर में आपको महिलाएं छोटी बड़ी हर प्रकार की मिल जाएंगी और ये हंसते हुए हम लोग ने इनके मजे हमने इनके मजे लिए थे मतलब नूर फातिमा के नूर फातिमा दी थी रिपोर्ट कर देंगे आपका चैनल आप बहुत बेजती करती हैं हम लोग की और उसके बाद ये देखिए जहाज जा रहा था तो हमने का दिखा देते हैं पेड़ के पीछे से दिखा 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 नहीं दिखा तो फिर से ब्लॉग देखिए फिर ये जो लड़का है पीछे डंडा लिए खड़ा है ये बहुत बड़ा पतंगबाज है नजरे इसके ऊपर ही घुमा करती हैं ये देखिए बकरीद के दिन नए कपड़े पहन के ये पतंगबाज पतंग ये पतंग दिख रही है जैसे ही पास में कोई आए बस डंडा फंसा ले ये और ये ऊपर का नजारा देखते हुए यहाँ से मेट्रो स्टेशन भी दिखता है जो कि आपको दिखाना हम भूल गए हैं क्योंकि बाजी के यहाँ जाना था बाजी कहते हैं खाला को ईद ने भी बताया था याद रखा करो तुम लोग और ये देखिए खाला मेरी खाला कहने लगी रुक जाओ सही से दुपट्टा ओढ़ ले तब बनाओ वीडियो और ये ईदी देते हुए सौ रुपए हमने कहा बस इतना ही लेकिन इतनी जनसंख्या है इतना ही बहुत है और ये छोटे वाले मामों के आ गए हैं आते ही सीधा हमने कहा रुक जाओ देखते ही इनके यहाँ खाली मिलता है या भरा तो इन लोग को पता चल गया था हम आने वाले इसलिए भर दिया लेकिन टूटी फुलकी और ये देखिए छोला उसके बाद इन लोग ने कहा ब्लॉगर को सर्व किया जाए तो ये प्लास्टिक की कटोरी में निकालने लगी तब तक, तक उनको थप्पड़ मार के किनारे किया गया कहा गया कि अरे भाई ब्लॉगर है अच्छी कटोरी में दिया जाए तो ये देखिए चीनी मिट्टी की कटोरी में हमको प्रदान किया गया अरे काफी इज्जत मिलती है हमको ब्लॉग के चलते हर घर में एक ना एक बहुत बड़ा फैन छुपा हुआ है मेरा और ये देखिए हमने कहा फुल्की चाहिए मुझे सिवई हमने फॉर्मेलिटी के लिए खा लिया सब कहते हैं तो खा लो खा लो लेकिन फुल्की में मेरी जान बस है जल्दी से फुल्की दो मुंह खट्टा करे मीठा के बाद और छोला कहने लगी थोड़ा ब्लॉग में आ जाएगा खा लो तो हमने कहा थोड़ा सा निकाल आए तो अम्मी कह रही है आखिर घर याद तो आया तुमको बहुत बदतमीज हो फिर उसके बाद घर में बने हुए थे कबाब और ये हमने उठाया सॉस पकौड़ी रूपी कबाब आप लोग को बहुत पसंद आएंगे रेसिपी इसकी कभी अम्मी शेयर करेंगी हम ही शेयर करेंगे अम्मी बताएंगे और ये देखिए ये हमने कबाब ला के रखे मेरे दिमाग में आइडिया आया अच्छी होनी चाहिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ भी तो इकरा उठी हमने सोचा कोल्ड ड्रिंक लेने जा रही है मगर ये उठ के ये उठा ले गई और बहुत गर्म था ये देखिए खेलते हुए फिर गर्मा गर्म नीयत खराब है इसकी फिर उसके बाद ये कोल्ड ड्रिंक लाई गई अपन ने दिया कोल्ड ड्रिंक तब तक का ये कबाब कम हो चुके थे काफी और ये देखिए फिर उसके बाद इन लोग सो गई हैं और आज सोने का माहौल मच गया है काफी थक गए हैं सब लोग खा खा कर तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय